नमस्कार, मैं हूं मृत्युंजय कुमार झा। शाम के 5:30 बज चुके हैं और अगले आधे घंटे तक आपके सवालों का सबसे बड़ा मंच तैयार है। अगर आपने कमोडिटी में ट्रेड किया है या फिर नया ट्रेड करना चाहते हैं, जानना चाहते हैं कि आपके लिए कहां पर कमाई के मौके बनेंगे, तो आप सवाल पूछिए। नंबर आप नोट कर लें, 0222300 1634। इसके अलावा आप 0222300 1635 पर भी अपना सवाल पूछ सकते हैं। चलिए और बुलेटिन की शुरुआत करेंगे आज की मार्केट की एक बड़ी हलचल वाली खबर के साथ। और खबर यह है कि सोयाबीन की कीमतों में जबरदस्त तेजी आ गई है। अगस्त वायदा, सोयाबीन का अगस्त का वायदा 8600 के पार निकल गया है। 6% तक का उछाल इसमें आ चुका है। महीने भर में 16% की बड़ी तेजी आ गई है और 3 महीने में 20% तक दाम बढ़ गए हैं। और स्पॉट मार्केट में खबर यह भी है कि कहीं कहीं पर भाव 9000 के भी ऊपर पहुंच चुका है। जबरदस्त तेजी आ गई है सोयाबीन में। और इसके पीछे बड़ी वजह यह है कि सोयाबीन की बुआई कम बताई जा रही है, करीब 10 से 11% की। मध्य प्रदेश में बुआई 10% के आसपास घटने की आशंका जताई जा रही है। सोयाबीन मिल की जबरदस्त डिमांड है और उसके मुकाबले सप्लाई यहाँ पर कम है, शॉर्टेज है सीड की। और दूसरी तरफ जो एक स्टॉक लिमिट लगने का खतरा था वो फिलहाल टलता हुआ दिख रहा है। तो ये कुछ बड़ी डेवलपमेंट है जिसका इम्पैक्ट हमने मार्केट पर देखा है। हमारे साथ 4 खास मेहमान हैं बातचीत के लिए। डीएन पाठक साहब हैं, ईडी हैं सोपा के, नीरव देसाई हैं जीजीएन रिसर्च के, मनोज जैन हैं पृथ्वी फिनमार्ट के और प्रथमेश मालिया हैं एंजल ब्रोकिंग के। आप सभी का बहुत स्वागत है। और पाठक जी, मेरा सबसे पहला सवाल आपसे होगा सर, चूंकि आप सोयाबीन के मार्केट को देखते हैं, समझते हैं, क्या सिचुएशन है सर, क्यों इतनी तूफानी तेजी आ रही है, क्यों आग लग गई है कीमतों में, क्या है ग्राउंड पे सिचुएशन, क्या वाकई वाई बहुत कम है, सप्लाई बहुत कम है, क्या सिचुएशन है सर? मनोज जी, जैसे हम पहले सोच रहे थे कि इंडिया पिछले साल के मुकाबले कुछ बढ़ेगा, वो स्थिति अब दिखाई नहीं पड़ती। पहली बात तो ये है क्योंकि मानसून जो 11-12 को आना चाहिए था वो लेट हो गया थोड़ा सा। तो बुआई की स्थिति मध्य प्रदेश में ऑलरेडी 10% डाउन है और अब यहाँ पे और बुआई होने की उम्मीद नहीं है। तो एक क्यों तो ये है। दूसरे, सप्लाई सिचुएशन पहले से भी टाइट थी। इस साल करीब 20-21 लाख टन का एक्सपोर्ट हो गया है, तो कीमतें बढ़ी हुई हैं। जो हमारी सोयाबीन की क्रॉप थी, S&D नंबर जब मैच करते हैं तो टाइट सिचुएशन दिखाई पड़ती है। दूसरा, ये जो मानसून ने कर दिया है कि बुआई कम दिख रही है, अभी कुछ लोग ये कंसर्न भी कह रहे हैं कि शायद बारिश से असर पड़ेगा, लेकिन मैं उसको ऐसे देखता नहीं हूँ। आगे क्या होगा, बारिश कम ज्यादा होगी कि नहीं होगी, उससे यील्ड पे असर पड़ेगा, ऐसा मुझे अभी दिखाई नहीं देता है। लेकिन ये बात सच है कि पिछले साल के मुकाबले अगर एरिया कम है तो फिर बाजार जो क्यू लेता है वो इसी इन्हीं चीजों में लेता है। बाजार तो स्पेकुलेशन पे ही चलता है, इसलिए शायद ऐसी तेजी देखने को मिल रही है। हाँ, ओके। तो ये आप रीजन बता रहे हैं। नीरव देसाई जी, आप बताएं सर, क्योंकि हमें कुछ रिपोर्ट्स मिल रही हैं कि जो स्पॉट मार्केट में है, कहीं कहीं पर प्लांट में 9000 से ऊपर भाव चले गए हैं, कहा जा रहा है कि सीड का शॉर्टेज है। आपके पास क्या रिपोर्ट है सर, आपके पास क्या रिसर्च है? देखिए, ये बात सही है कि स्पॉट प्राइसेस 9000 के आसपास टच कर गई है आज। और जैसे कि पहले भी हम डिस्कस करते आए हैं कि ऑफ सीजन में, मतलब कि अगस्त और सितंबर महीने तक, नया क्रॉप का अराइवल अक्टूबर 1st वीक 2nd वीक से चालू होता है। तो अभी अगस्त सितंबर महीने तक हमारे पास ओल्ड क्रॉप ही रास्ता है और ओल्ड क्रॉप का स्टॉक बहुत टाइट है। किसान के पास भी बहुत ज़्यादा माल नहीं है, इंडस्ट्री के पास भी बहुत ज़्यादा माल नहीं है। अब नया एक्सपोर्ट तो बहुत कुछ ज़्यादा नहीं हो रहा है, पर डोमेस्टिक की पोल्ट्री या जनरल DOC की डिमांड ही जो है उसको फुलफिल करने के लिए भी शॉर्टेज आ रही है। तो उस कारणवश यहाँ पे जो स्पॉट प्राइजेज हैं वो काफ़ी सपोर्टेड हैं और बहुत ज़्यादा मार्केट घट जाए अगस्त सितंबर महीने तक ऐसा नहीं लगता है। पर आप प्राइजेज को गौर से देखेंगे तो 8600 का अगर अगस्त वायदा है तो 8100 का सितंबर वायदा है, सामने 6400 का अक्टूबर वायदा है। सो ऑलरेडी न्यू क्रॉप डिस्काउंट पे ही है और ओल्ड क्रॉप में उनके पास कोई रास्ता नहीं है, इसलिए मेरे हिसाब से ये प्राइजेस वेल सपोर्टेड रहेंगे। पर ये भी है सामने कि आज जो प्राइस लेवल है 8500-6000 के आसपास, फ्यूचर्स के 9000 के आसपास, फिजिकल के, ये प्राइजेस बहुत ही ज़्यादा हायर प्राइजेस हैं और इस प्राइस पे अब कोई भी ट्रेड करे तो बहुत कॉशियसली ट्रेड करे, क्योंकि
क्योंकि कोई भी छोटी मोटी न्यूज से भी मार्केट बहुत जल्दी से रिएक्ट दोनों तरफ करेगा, बढ़ेगा भी उतनी फास्ट और घटेगा भी उतनी फास्ट। ओके तो लेकिन पाठक जी एक बात बताएं सर कि मतलब क्या वाकई सप्लाई की इतनी दिक्कत है कि दाम मतलब रिकॉर्ड ऊंचाई पर जाने के बाद भी गिरने का कोई खतरा नहीं रहता है, एक के बाद एक लगातार नई ऊंचाई को छू रहा है। कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं मार्केट में कुछ मैनिपुलेशन भी हो रहा है, इस थ्योरी को आप मतलब मानते हैं क्या पाठक जी? मैं नहीं, इस थ्योरी को तो मैं बिल्कुल मानता हूँ कि मार्केट में मैनिपुलेशन हो रहा है। एक्चुअली जो पूरा मार्केट है इस साल वो चलाया ही स्टॉकिस्ट ने और ब्रोकर्स ने और ट्रेडर्स ने और स्पेकुलेशन ने, क्योंकि फिजिकल क्यूज अगर देखे जाए और डिमांड सप्लाई देखी जाए तो ऐसा कुछ नहीं है। अगर मैंने जैसे 104 लाख टन क्रॉप बोला है, अगर वो क्रॉप 104 के बजाय 100 भी हो तो भी कोई इतनी आफत कहीं से नहीं आई हुई है डिमांड सप्लाई में कि प्राइस इतनी बढ़ जाए। तो ये बात सही है बिल्कुल कि स्पेकुलेशन जो है इस वक्त बिल्कुल हावी है बाजार पे, ये हम पहले भी कहते रहे और अभी भी हावी है। अभी भी आप देखें, आप जिससे भी पूछे क्यूज लेंगे वो ये बोलता है इस भाव पे खरीद लें, अभी और बढ़ने वाली है, इस भाव पे खरीद लें। अब वो एक 50 बार आदमी कहता है तो फिर लोग उस पर अमल भी करते हैं, तो वो भी आया है। हाँ ठीक बात है। तो सर आप बताएं कि सॉल्यूशन क्या है फिर, क्योंकि पोल्ट्री इंडस्ट्री भी लगातार कह रही है कि उनको बहुत दिक्कत आ रही है, तो ऐसे में क्या सॉल्यूशन है, कैसे राहत मिलेगी उनको? अब राहत कैसे, आई थिंक देखिए सोयाबीन के प्राइसेस को बढ़े हुए ही मिलेंगे अब, और सोयाबीन बढ़े हुए क्यों तो मिलेगा, ये तो पोल्ट्री इंडस्ट्री को समझ में या तो आ जाना चाहिए, तो ऑलरेडी आ चुका है। अब वो जो जैसा पहले होता था अभी मील आपको 37,000-36,000 मिलता, वो तो अभी होने वाला है नहीं, क्योंकि नई क्रॉप भी जैसे नीरव ने बताया 6,400-6,500 ट्रेड कर रही है। तो पोल्ट्री इंडस्ट्री इस बात को समझ चुकी है कि उस तरह की प्राइसेस जो हम पहले देखते थे वो नहीं आने वाली है। मेरा ख्याल ये है कि इस साल यानी अभी जो सोयाबीन की फसल आएगी अक्टूबर नवंबर में वो अच्छी आएगी, अभी तक तो ज्यादा दिख रहा है, पिछले साल के मुकाबले अगर उससे थोड़ी ज्यादा आए उतनी भी आए, और एक्सपोर्ट अभी इस प्राइस पे बिल्कुल भी नहीं होने वाला है। तो अपने पास कम से कम 16-20 लाख टन एक्स्ट्रा बीन्स मिलेंगे जो कि एक्सपोर्ट में नहीं जाने वाले हैं। तो डिमांड सप्लाई सिचुएशन एज फार एज आई एम कंसर्न अक्टूबर से आगे तो इतने टाइट रहने की उम्मीद नहीं है। स्पेकुलेशन ऑफकोर्स अभी भी स्पेकुलेटर इस कोशिश में है कि नया मार्केट सीजन खुले ही बड़ा ऊंचा, अब वो उसमें कितना सफल होते हैं और एनसीडेक्स को इस पे शायद कुछ क्यू लेना चाहिए कि मार्जिन बढ़ाएं या कोई ऐसा करें जो स्पेकुलेशन थोड़ी कम हो, इस पे थोड़ा विचार कर सकते हैं। अच्छा ठीक है, तो आप कह रहे हैं कि थोड़ा इस पर विचार किया जा सकता है, लेकिन नीरव देसाई जी आप बताएं सर, ये तो ठीक है जब विचार होगा तब होगा, लेकिन नेक्स्ट वीक आप मार्केट का मूव क्या देख रहे हैं, क्या अगले हफ्ते कुछ और तेजी की गुंजाइश है तिलहन में, खास करके सोयाबीन में, मस्टर्ड में, या आपको लगता है कि ये तेजी अब थम जाएगी? सी देखिए, इंटरनेशनल मार्केट अगर सपोर्टिव रहा तो भी मूवमेंट रहेगा, आज फ्राइडे क्लोज में भी मार्केट अच्छा बंद हुआ है तो थोड़ा मोमेंटम तो अपवर्ड मूवमेंट का रहेगा, बट मिड ऑफ नेक्स्ट वीक हो सकता है कि मार्केट थोड़ा कूल ऑफ हो, थोड़ा करेक्ट भी करे, क्योंकि गए दो दिनों में काफी अच्छा व्यापार हुआ है। आई थिंक डीओसी में भी अच्छा व्यापार हुआ है, सीड में भी अच्छा व्यापार हुआ है, तो थोड़ा सा एक बार के लिए बायर की जो डिमांड है वो आने वाले एक दो दिन में थोड़ी सी एक बार की पोजीशन ली होगी तो थोड़ा सा कूल ऑफ होगा। और सोल्यूशन की जो आप बात कर रहे हैं उसमें एक सोल्यूशन जरूर पोल्ट्री इंडस्ट्री के फेवर में आ सकता है जिसके लिए वो लॉबिंग कर रहे हैं, और वो है जीएम मील का इम्पोर्ट। अगर गवर्नमेंट ने कोई जीएम मील का इम्पोर्ट अलाउ कर दिया, कोई कोटा दे दिया 5 लाख या 10 लाख टन का, तो जरूर ये होगा कि पोल्ट्री इंडस्ट्री को इमीडिएट एक रिलीफ इस चीज में मिलेगा। बट अब देखने का ये रहेगा कि गवर्नमेंट ऐसा कोई डिसीजन लेती है कि नहीं लेती, और कितना स्ट्रॉन्ग लॉबिंग पोल्ट्री इंडस्ट्री कर पाती है। ओके ठीक है, तो ये बात हो गई आपकी कि क्या रहेगा मार्केट में अगले हफ्ते। चलिए बहुत शुक्रिया नीरव देसाई जी आपका, डीएन पाठक जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, और हमारे साथ प्रथमेश माल्या हैं एंजल ब्रोकिंग के और मनोज जैन हैं पृथ्वी फिनमार्ट के, आप दोनों का बहुत स्वागत है। बताइए माल्या जी, गोल्ड में आज शाम के लिए किस तरह का ट्रेड आप देख रहे हैं, और आपको लगता है कि गोल्ड इस भाव पर भी खरीदना अभी ठीक है? गुड इवनिंग नितिन जी, मेरे ख्याल से आज शाम के सेशन में गोल्ड में बाय करने की सलाह रहेगी। मेरे ख्याल से 47,400 के आसपास
ये कमोडिटी ट्रेड कर रही है, यही भाव पे मेरे ख्याल से बाय करने की सलाह होगी। 47,220 का स्टॉप रहेगा, ऊपर में टारगेट 47,730 के लिए रहता है। मेरे ख्याल से इस भाव पे बाय करने की पॉसिबल सलाह रहेगी, और ये इंट्राडे के लिए रहेगा ये पर्टिकुलर स्ट्रैटेजी, कैरी फॉरवर्ड नहीं करनी। अच्छा ठीक है, मनोज जी आपका व्यू क्या है सिल्वर के ऊपर, चांदी में आज के लिए किस तरह का ट्रेड आप रिकमेंड करना चाहेंगे? नमस्कार रतन जी, बिल्कुल चांदी में हमने पिछले 2-3 सेशन में एक मूवमेंट जो है वो एक दायरे में देखा है, लेकिन लोअर लेवल्स पर यहाँ सपोर्ट्स देखने को मिल रहे हैं। 66,400 के आसपास यहाँ पे अभी भी क्लोजिंग बेसिस पर सपोर्ट्स बने हुए हैं। अभी थोड़ी गिरावट देखने को मिल रही है, जो खबर आई थी कि बैंक ऑफ रशिया ने जो ब्याज दरें हैं उसमें 100 बेसिस पॉइंट की बढ़ोतरी की है, उसके बाद से यहाँ पे कीमतों में दबाव देखने को मिला है। लेकिन मेरा मानना है कि 66,800 के जो लेवल्स है वो बाइंग के लिए आज से बेहतर होंगे। थोड़ा सा डिप मिलता है 200 रुपए का तो यहाँ बाइंग की जा सकती है। ऊपर में लक्ष्य जो है वो 67,600 का रखें और 66,300 का एक स्टॉप लॉस रखें। पोजिशन जो है वो इंट्राडे के लिए रखें, कैरी फॉरवर्ड ना। अगला चलिए ठीक है, तो ये राय आपकी हो गई चांदी पर, लेकिन अब शुरू करते हैं सवाल और जवाब। पहला सवाल है प्रथमेश का, भिवानी से हमारे साथ जुड़ रहे हैं इस वक्त, पूछिए प्रथमेश जी। नमस्कार जी, हेलो, नमस्कार, पूछिए। आज ग्वार के ऊपर पूछना चाहता था, अगले 10-15 दिन के अंदर क्या 5,000 जा सकता है ग्वार जी? अगले 10-15 दिनों में क्या 5,000 तक ग्वार जा सकता है? बताइए मनोज जी, क्या व्यू है आपका ग्वार पर? नहीं, ग्वार में एक मोमेंटम बना है पॉजिटिव, लेकिन 5,000 के जैसी गुंजाइश नहीं है। मेरा मानना है कि 4,450, 4,500 ये लेवल देखने को मिल सकते हैं। तो अभी मोमेंटम जो है पॉजिटिव बना हुआ है, वर्तमान लेवल से 150 से 200 रुपए की बढ़त देखने को यहाँ मिल सकती है। जो बाइंग की पोजिशन है उसको होल्ड कर सकते हैं, 4,180 के नीचे का एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस मेंटेन करें, 4,500 तक के लक्ष्य जो है यहाँ पे अगले 8 से 10 दिन में देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, अगला सवाल है आकाश का, पूछिए आकाश। सर मेरा सवाल मेंथॉल पर है और मैं ये जानना चाहता हूँ कि मार्च 2022 तक इस मेंथॉल का रेट कहाँ तक जाता दिखाई दे रहा है, एक लॉन्ग टर्म पोजिशन बनानी है। मार्च 2022 तक मेंथा का रेट कहां तक आप कह रहे हैं कि दिख सकता है? बताइए मनोज जी, क्या फंडामेंटल और टेक्निकल को देखते हुए क्या प्राइस आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं मेंथा में आगे? बिल्कुल, फंडामेंटल के लिहाज से पहले जो खबरें निकल कर आई थी कि जो ताऊते तूफान आया था उसके चलते क्रॉप में कुछ डैमेज देखने को मिला है, लेकिन ग्राउंड रियलिटी ये है कि जो नुकसान अनुमानित था उतना नुकसान हुआ नहीं है। और लोअर लेवल्स पर हमने 920 के आसपास यहाँ पे अच्छे सपोर्ट जो है मेंथा ऑयल में बनते हुए देखे हैं। अभी कीमतें लगभग 940 के आसपास ट्रेड हो रही है, तो मेरा मानना है कि 900 के लेवल्स जो है यहाँ पे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट्स रहेंगे और वो होल्ड होते रहेंगे। जहां तक मीडियम टू लॉन्ग टर्म की बात है तो मेरा मानना है कि यहाँ पे 1020 से 1050 की रेंजेस में स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस देखने को मिलेंगे। तो अगर 3 से 4 महीने की बात करूँ तो 900 से 920 यहाँ सपोर्ट जोन रहेंगे। ऊपरी लेवल्स पर 1020 से 1050 के रेंज में जब भी जो है कीमतें आवे तो वहां मुनाफा वसूली की रणनीति रखना चाहिए। लगभग 100 से 150 रुपए की रेंज जो अगले 2 से 3 महीने तक यहां बनी रह सकती है। ठीक है, अगला सवाल है रोहित का, रोहित हमारे साथ जुड़ रहे हैं, बताइए रोहित जी। सर चना 6,000 कब हो जाएगा सर, और सोयाबीन 10,000 होगा क्या सर यार? चना 6,000, सोयाबीन 10,000, ये सवाल तो सुन के मतलब क्या बताएं, क्योंकि कुछ भी असंभव सा दिखता नहीं है। जब 8,600 के ऊपर सोयाबीन जा चुका है तो फिर 10,000 का अगर आपने पूछा है तो कोई इसमें हैरत की बात है नहीं। बताइए मनोज जी, क्या गुंजाइश चना 6,000 जाने की और सोयाबीन 10,000 जाने की? चने में फिलहाल जो मोमेंटम है वो 6,000 के जैसा नहीं है, पर हाँ कीमतें 5,200 तक के लेवल जो शॉर्ट टर्म में दिखा सकती है, क्योंकि जो स्टॉक लिमिट लगी थी उसके बाद से थोड़ा सा मोमेंटम जो है वो बिगड़ा था। हालांकि गवर्नमेंट ने जो स्टॉक लिमिट है उसको ईज किया है, लेकिन यहाँ पे अभी भी 6,000 के जैसे संकेत नहीं है, 5,200 तक के लेवल्स यहाँ देखने को मिल सकते हैं। वहीं सोयाबीन की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे मोमेंटम जो है वो
पॉजिटिव बना रहेगा, 9,000-9,200 ये लेवल्स जो है यहाँ पे देखने को मिल सकते हैं। शॉर्टेज जो है यहाँ पे स्टॉक की है, जैसा कि जो एक्सपर्ट्स ने भी बताया था, प्रीवियस एक्सपर्ट्स ने, नीरव जी ने, कि यहाँ पे अगर गवर्नमेंट की तरफ से इंपोर्ट अगर अलाउ नहीं होता है मील का, तो फिर कीमतें जो है वो हायर साइड पे बनी रहेगी। तो मोमेंटम पॉजिटिव है अभी और अगले 1-2 महीने ये पॉजिटिव बना रह सकता है, 9,000 के पार एक बार कीमतें यहाँ निकल सकती है। ठीक है, ओके, अब वक्त है रैपिड फायर राउंड का। मनोज जी, आपकी पहली कॉल। यहाँ पे बेस मेटल्स में अच्छा मोमेंटम है, निकल अगस्त वायदा 1430 के लेवल्स पर मिले तो यहाँ बाइंग करके चलना चाहिए। 1452 से 1460 तक के लक्ष्य यहाँ रख सकते हैं, एक स्टॉप लॉस 1418 का यहाँ लगा। आपकी कॉल। मेरे ख्याल से कॉपर को बाय करना चाहिए 743 पे, 740 का स्टॉप रहना चाहिए, ऊपर में टारगेट 749 के। आपकी आखिरी कॉल मनोज जी। यहाँ पे कॉटन अगस्त वायदा में 26,800 के ऊपर बाइंग की रणनीति रखना चाहिए, 27,300 के लक्ष्य के लिए एक स्टॉप लॉस 26,550 का यहाँ पर लगा। ओके, चलिए, बहुत शुक्रिया मनोज जी आपका और प्रथमेश जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, बताने के लिए आज कमोडिटी में कहाँ पर कमाई के मौके बनेंगे।